तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। तो आज रिएक्शन करने जा रहा हूँ खेसारी लाल यादव का एक नया मूवी का ट्रेलर आया है। मूवी का नाम है सन ऑफ बिहार। भाई खेसारी लाल यादव तहलका मचा रहा है। गीत तो निकाल ही रहा है दो दिन पर, तीन दिन पर, एक दिन पर, दो दिन पर उसके साथ मूवी का ट्रेलर आ गया है। संघर्ष टू का आ गया है, उसके बाद फरिश्ता अभी भी आया था, उसके बाद में सन ऑफ बिहार का ट्रेलर आया, उसके बाद में अभी रंग दे बसंती क्या क्या मूवी का शूट कर रहा है गॉडफादर। भाई एकदम प्रॉपर एक्टिव है बंदा, एकदम प्रॉपर एक्टिव है, उसको मतलब कोई टक्कर नहीं दे सकता। और उसका सॉन्ग भी कमाल के व्यू आ रहा है, ट्रेलर भी कमाल के व्यू आ रहा है। संघर्ष में खाली 8 मिलियन से ज्यादा व्यू है, उसके बाद में ये भी कमाल के व्यू आया है, लगभग अभी 4 घंटा 5 घंटा भी गया है, 2-3 लाख से ज्यादा व्यू आ गया है। तो ये जो मूवी है ना सन ऑफ बिहार, इसमें लीड स्टार में आप लोग पता है कौन है, द ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। और उसके बाद में इसमें एक्ट्रेस में है माही भट्टाचार्य, और उसके बाद में रक्षा गुप्ता। चलिए देखते हैं कैसा है। और इसमें एक्टर में है आयान खान, विलन साथ किया है। आयान खान का विलन में मुझे अच्छा लगता है, वो स्मार्ट भी है और विलन भी अच्छा करता है। तो चलिए देखते हैं कैसा है, बिना किसी तरीके सन ऑफ बिहार का ट्रेलर स्टार्ट। कैप्टन मूवी कैप्टन चैनल में है। ओके एक्शन ठीक ही है, अच्छा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। स्कूल बाप बेटे के दोनों के बीच टकराव दिखा है। ओके तेरे बाप कैसे केस लड़ता है और कैसे जीतता है, आज तो चल बेटा लेकिन अपना जीते जी एक कोर्ट के दहलीज पर कदम ना रखा। ओ यहाँ पे टर्निंग पॉइंट होगा खेसारी लाल यादव के लिए। अच्छा एक्टिंग कर रहा है भाई खेसारी लाल यादव, अच्छा एक्टिंग कर रहा है, कॉमेडी भी अच्छा है, एक्शन भी ठीक ही कर रहा है और सीरियस भी ठीक ही कर लेता है, अच्छा कर रहा है। ओके ओहो अच्छा लग रहा है, पर एक बात का अभी भी मुझे दुख है, पूरा स्टोरी रिवील कर दे लगभग हुआ है। अगर एक घंटे के अंदर इनका वकील कोर्ट के सामने आते हैं तो ये वरना इस केस को डिसमिस कर दिया। ओके वाह कैसा लग रहा था एज अ वकील, ये भी कर दिया, जबरदस्ती एक मुद्दा बनाकर उछाल रहे हैं, अपनी जुबान पे लगाम दे। अगली तारीख में या तो आपको एक ठोस सबूत लेकर आए वरना सबूत के अभाव में ओके केस में फैसला सुनाएंगे। अच्छा अक्षर मीडिया पे बोलना से कोई हीरो ना बन जाला। ओह कोई हीरो ना बन जाला। इनके औकात नहीं है कि आलीशान स्कूल में पढ़ सके। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सिर्फ बिहार का आंकड़ा देखा जाए जज साहब, यहाँ पे थोड़ा स्कूल में 15,000 बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षक के बदहाल व्यवस्था में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा और एक्टिंग करता ना अच्छा, मतलब प्रोफेशनल अच्छा लगता है, बाकी अच्छा है, पर एक बात से दुख है अभी भी, पूरा स्टोरी रिवील कर दिया। चाहे हालात जैसा भी हो सन ऑफ बिहार, अपने बच्चों को शिक्षित बनाना आप सबका कर्तव्य है। ओह अच्छा लास्ट में अश्लील लिखना है। देखो सबसे पहले देखो ये मूवी का ट्रेलर है, अच्छा है, एक्शन लगभग बॉलीवुड के 2009 में 2010 में जैसे एक्शन था ना उरफान के जैसे उसे किस्म के एक्शन है, मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट है ये बोल रहा हूँ, मतलब भोजपुरी की तुलना में तो इंप्रूवमेंट है, अब बाकी की तुलना में तो अभी पछाड़ी ही है। पर जो एक्टिंग है ना खेसारी लाल यादव का एक्टिंग अच्छा लग रहा है, जो इमोशनल एक्टिंग करता है वो भी अच्छा करता है। उसके बाद में कॉमेडी में तो उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता भोजपुरी में, यह बोल दो लिख के ले लो, क्योंकि कॉमेडी बहुत कमाल कमाल का मूवी देखा हूँ, मेहंदी लगा कर रखना, उसके बाद में और भी बहुत मूवी है जो बहुत कमाल कमाल का कॉमेडी किया है, तो कॉमेडी में उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। और उसके बाद में एक्शन ठीक लग रहा है, पर एक बात सभी भी दुख है मुझे क्या कि इसमें जो स्टोरी है ना शुरू से अंतिम कर दे। फर्स्ट में क्या है, बाप बेटा का लड़ाई होगा, बाप मर जाएगा, तो बाप मर जाएगा तो ये खुद मतलब वकील बन के आएगा और उसका केस लड़ेगा, और उसमें भी दिखाया गया कि इसका बाप का मतलब कदर नहीं हुआ है, मतलब मर्डर हुआ है, ऐसे नहीं मरा है, ये सब दिखा रहा है, सब ट्रेलर में ही दिखा दिया था, फिल्म में क्या दिखा हुआ है, फिल्म में क्या दिखा हुआ है, ये थोड़ा बुरा बात है। बाकी आयान खान जो है ना जो विलन का रोल किया वो भी अच्छा कर रहा है, वो भी मतलब उसका एक्टिंग देखकर अच्छा लग रहा है। उसके बाद में बाकी इसमें हीरोइन का जो एक्टिंग है रक्षा गुप्ता और मनीष भट्टाचार्य, मनीष भट्टाचार्य उतना एक्टिंग नहीं दिखा पर रक्षा गुप्ता ठीक था। और उसके बाद में सॉन्ग दो तीन है भोजपुरी में, दो तीन सॉन्ग ना हो चार सॉन्ग ना हो तो हो नहीं सकता। तो ये ट्रेलर एक सिंपल ट्रेलर है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है कि मतलब जैसे फरिश्ता जैसा नहीं है, जैसे संघर्ष जैसा नहीं है, पर फिर भी अच्छा है। एक थोड़ा और इसमें ट्विस्ट जो था ना नहीं देखा था तो अच्छा लगता, पर आप लोग भोजपुरी का फैन हो या कैसा लगा फैन हो तो आप लोग को अच्छा लगेगा, ये बात कंफर्म है। तो आप लोग देखना चाहते हो देखो ये सन ऑफ बिहार ट्रेलर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं देखना है तो क्या करना है, देखना है। चलिए दोस्तों आज के इतना ही, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यार सा कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद।